एचआईवी संक्रमण एक बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। यह कैसे फैलता है, एचआईवी संक्रमित लोगों के साथ जीना कितना मुश्किल है और ना जाने क्या क्या इनमें से कुछ मिथ का प्रचार लोगों के बीच खूब हुआ है। वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर हम ऐसे मिथों के बारे में बताएंगे और जानेंगे। एचआईवी संक्रमित लोगों के साथ रहने से एड्स हो जाता है, मिथ नंबर वन। यह गलतफहमी है जिसका प्रचार काफ़ी लंबे वक्त से होते आ रहा है। इसे दूर करने की आवश्यकता है। पसीने, थूक और पेशाब से एचआईवी नहीं फैलता है। मिथ नंबर दो कि मच्छर के काटने से फैलता है यानी एचआईवी होता है। इस बात से इनकार नहीं है कि एचआईवी वायरस खून से फैलता है, लेकिन कई अध्ययन इस बात की तस्दीक करते हैं कि मच्छर या आपके शरीर से खून चूसने वाले कीड़े के काटने से एचआईवी नहीं फैलता है। इसके पीछे दो कारण हैं। कारण नंबर एक, जब खून चूसने वाले कीड़े या मच्छर काटते हैं तो पहले जिसे काटते हैं उसका खून दूसरे के शरीर में इंजेक्ट नहीं करते हैं। कारण नंबर दो, इनके शरीर में एचआईवी वायरस केवल थोड़े समय के लिए जीवित रहता है, तो इसके कारण से दूसरे व्यक्ति में एड्स नहीं फैलेगा। तो अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां मच्छर अधिक है या फिर एचआईवी तेज़ी से फैलता है तो भी इसका संबंध कीड़े से वायरस फैलने से नहीं है। मिथ नंबर तीन, ओरल सेक्स करने से एचआईवी नहीं हो सकता। ये बात सच है कि दूसरे तरह के सेक्स की तुलना में ओरल सेक्स में एचआईवी संक्रमण का कम जोखिम रहता है। संक्रमण की बात की जाए तो 10,000 मामले में इसकी संभावना 4 होती है, लेकिन किसी एचआईवी पॉजिटिव पुरुष या महिला के साथ संबंध बनाने से एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इस कारण डॉक्टर कंडम इस्तेमाल करने की राय देता है। मिथ नंबर 4, कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं एचआईवी पॉजिटिव नहीं हो सकता। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति एचआईवी वायरस के साथ 10 या 15 साल तक जीवित रह सकता है और ये संभव है कि इस दौरान किसी तरह के लक्षण भी ना दिखाई दे। संक्रमण के शुरुआती कुछ सप्ताह में केवल बुखार, सिर दर्द, गले में खुजली, सूखा गला जैसे लक्षण दिखता। मिथ नंबर 5, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को एड्स मिलता है। ऐसे हो ये जरूरी नहीं है। जिन माओं में वायरस दबा हुआ होता है यानी जिसका सही उपचार चलता है वो बिना संक्रमण के खतरे के बच्चे को जन्म दे सकती है। आशा करता हूँ आप सभी मिथ को समझ गए होंगे।